नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। हिंसा प्रभावित मणिपुर में स्थिति काबू में आती नहीं दिख रही है। इस बीच एक और नई खबर सामने आई है कि उपद्रवियों ने पश्चिमी इंफाल के लामफेल में स्थित मणिपुर के मंत्री नेमचा केबगेन के घर में आग लगा दी। घटना की जानकारी देते हुए अधिकारियों ने बताया कि जब बदमाशों ने मंत्री के सरकारी बंगले में आग लगाई तो उस समय केबगेन घर पर नहीं थे। आग की सूचना मिलते ही दमकल कर्मियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। बता दें कि केबगेन कुकी समुदाय के नेता हैं। वह इस आग की घटना को लेकर अभी तक किसी समूह ने जिम्मेदारी नहीं ली है। गौरतलब है कि मणिपुर में मैतेई समुदाय को ST कैटेगरी में शामिल करने की मांग के विरोध में 3 मई को आदिवासी एकजुटता मार्च के आयोजन के बाद राज्य में हिंसक झड़पें शुरू हो गई थीं। तब से ही यहां हिंसा का माहौल बना हुआ है, जिसमें अब तक 100 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना ने एक सर्वेक्षण के हवाले से महाराष्ट्र के कई अखबारों में पूरे एक पेज का विज्ञापन दिया था। इस विज्ञापन में दिखाया गया था कि भाजपा के देवेंद्र फडणवीस की तुलना में एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री पद के लिए अधिक लोकप्रिय और राज्य के लोगों की पहली पसंद हैं। वहीं अब इस विज्ञापन को देने के एक दिन बाद ही पार्टी डैमेज कंट्रोल मोड में आ गई है। खबर है कि बुधवार को महाराष्ट्र के न्यूज़पेपर्स में शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना की ओर से अब एक और नया विज्ञापन छपवाया गया है, जिसमें शिवसेना सुप्रीमो बालासाहेब ठाकरे और ठाणे से शिवसेना के दिवंगत नेता आनंद दीघे के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की तस्वीर सबसे ऊपर है। इसके अलावा विज्ञापन में शिंदे और फडणवीस की भी एक साथ तस्वीर है, साथ ही इसमें दोनों पार्टियों के चिन्ह भी हैं। वहीं इससे पहले वाले विज्ञापन में केवल शिवसेना का धनुष और बाण वाला चिन्ह था। कांग्रेस नेता राहुल गांधी, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया और उप मुख्यमंत्री DK शिवकुमार को कोर्ट की तरफ से समन जारी किया गया है। दरअसल BJP की ओर से दायर एक मानहानि के केस में अदालत ने इन तीनों नेताओं को तलब किया है। BJP का आरोप है कि कांग्रेस की तरफ से विज्ञापनों के माध्यम से झूठे दावे कर BJP की छवि को धूमिल किया जा रहा है। बता दें कि कर्नाटक के BJP सचिव केशव प्रसाद की ओर से 9 मई को दायर की गई शिकायत में हाल ही में राज्य में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव के दौरान 40% भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर मानहानि का दावा किया गया है। शिकायत में कहा गया है कि 5 मई 2023 को समाचार पत्रों में छपे कांग्रेस के विज्ञापन में दावा किया गया था तत्कालीन भाजपा सरकार ने 40% भ्रष्टाचार किया था और पिछले 4 वर्षों में 1.5 लाख करोड़ रुपए लूटे थे। इसी साल के मार्च महीने में लंदन में भारतीय उच्चायोग के परिसर में हुई तोड़फोड़ को लेकर मामले की जांच कर रही NIA ने कल बुधवार को 45 लोगों की तस्वीरें जारी की हैं और साथ ही एक लुकआउट नोटिस जारी कर इन लोगों की पहचान की अपील की है। एजेंसी ने कहा कि जिनके पास भी इन लोगों के बारे में जानकारी हो वो एजेंसी को बताएं। ये लोग मार्च में लंदन में उच्चायोग में तोड़फोड़ करने और भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करने के लिए जिम्मेदार हैं। वहीं इससे पहले NIA ने सोमवार 12 जून को 5 वीडियो भी जारी किए थे और हिंसक प्रदर्शनों में शामिल व्यक्तियों की पहचान करने के लिए आम जनता की मदद मांगी थी। गौरतलब है कि इसी साल 19 मार्च को लंदन में खालिस्तान समर्थकों ने भारतीय उच्चायोग के बाहर प्रदर्शन किया था। इस दौरान खालिस्तान समर्थकों ने उच्चायोग की बिल्डिंग पर लगे तिरंगे को नीचे खींच लिया और उच्चायोग में तोड़फोड़ का प्रयास किया था। आपको बता दें कि यह प्रदर्शन पंजाब में अमृतपाल सिंह और उसके समर्थकों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई को लेकर किया गया था। BJP के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा द्वारा OBC आरक्षण के मुद्दे पर गैर BJP शासित राज्यों को घेरे जाने के बाद अब विपक्षी दलों ने इस पर पलटवार किया है। दरअसल JP नड्डा ने कहा था कि OBC को आरक्षण का जो संवैधानिक हक दिया गया है उसका पंजाब, बिहार, पश्चिम बंगाल और राजस्थान की सरकारें खुलेआम हनन कर रही हैं। इसके अलावा जातिगत जनगणना पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि जातिगत जनगणना की बात करने वाले दल खुलेआम OBC भाइयों के हितों के खिलाफ काम कर रहे हैं। बंगाल में OBC के कोटा का खुलेआम मुस्लिम तुष्टिकरण किया जा रहा है और पिछड़ा वर्ग को उनके हक से वंचित किया जा रहा है। वहीं अब BJP प्रमुख के इस बयान पर पलटवार करते हुए JDU प्रवक्ता राजीव रंजन ने कहा कि संवैधानिक संस्थाओं का राजनीति की दृष्टि से उपयोग किया जा रहा है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट से दिख रहा है कि तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। इसके अलावा RJD प्रवक्ता शक्ति यादव ने कहा कि JP नड्डा इसलिए बयानबाजी कर रहे हैं क्योंकि इन लोगों को डर है कि समान विचारधारा वाले कई दल 2024 लोकसभा चुनाव को देखते हुए एकजुट हो रहे हैं और BJP का सूपड़ा साफ हो जाएगा। BJP प्रमुख JP नड्डा द्वारा OBC आरक्षण पर दिए गए बयान को लेकर
आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने आरोप लगाया कि बीजेपी की जहां जहां सरकारें हैं वहां पर दलितों और पिछड़ों को इस देश का नागरिक नहीं माना जाता, इस तरह का भेदभाव किया जाता है, बीजेपी ने दलितों का आरक्षण खा लिया। वहीं कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी पिछड़ा विरोधी है, इसलिए केवल भाषण देती है, जाति जनगणना नहीं कराती, सबको बराबर हक मिले इसलिए कांग्रेस जाति जनगणना की मांग कर रही है। कांग्रेस के 4 में से 3 मुख्यमंत्री ओबीसी हैं। चक्रवाती तूफान बिपरजॉय के आज गुरुवार शाम तक तट से टकराने की संभावना है। फिलहाल यह गुजरात के जखाऊ बंदरगाह से करीब 280 किलोमीटर की दूरी पर अरब सागर में मौजूद है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बिपरजॉय की दिशा बदल गई है, इससे गुजरात के लिए खतरा और ज्यादा बढ़ गया है। दरअसल पहले यह चक्रवाती तूफान पाकिस्तान के समुद्री तट की ओर बढ़ रहा था, लेकिन अब इसने अपनी दिशा बदल ली है और यह थोड़ा पूरब की ओर मुड़कर उत्तरी गुजरात तट की तरफ जा रहा है। खबरों के मुताबिक बिपरजॉय 15 जून की शाम को जखाऊ पोर्ट के पास तट से टकराएगा और उस समय समुद्री हवाओं की रफ्तार 125 से 150 किलोमीटर प्रति घंटा तक रह सकती है। आपको बता दें कि गुजरात में यह तूफान सबसे अधिक कच्छ को प्रभावित कर सकता है, ऐसे में सुरक्षा के मद्देनजर अब तक करीब 44,000 लोगों को कच्छ से कई सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है और साथ ही एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की कुल 30 टीमों को तैनात किया गया है। वहीं बीएसएफ भी आने वाली वक्त की चुनौती के लिए तैयार है। अभी के लिए बस इतना ही, बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी.com के साथ।